सो एग्जाम्पल 9.6 क्या है, अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 इन अ लिक्विड, वॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, कुड द लिक्विड बी वाटर। तो आपको बताना है क्या वो वाटर हो सकता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए लिक्विड का कि वो डिसअपेयर हो जाए। देखिए, कोई मीडियम दूसरे मीडियम में तभी डिसअपेयर हो सकता है जबकि दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होना चाहिए, 1.47 ही होना चाहिए। ठीक है, जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 होगा, आप जैसे ही मान लेते हैं ये लिक्विड है यहाँ पे, और आपने यहाँ पे इस लेंस को कुछ ऐसे डुबा दिया, यहाँ पे मैं दूसरे पेन से बना लेता हूँ ताकि आपको विजुअलाइजेशन हो जाए। ठीक है, अगर इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47 है और इसका भी 1.47 है, तो हमारे पास जो 1/f का फॉर्मूला है, n21 - 1/r1 - 1/r2, इससे अगर आप देखें यहाँ पे n21 का मतलब क्या होगा, n2/n1 - 1, सो 1/r1 - 1/r2। ठीक है, तो n2 और n1 अगर बराबर हो गए तो ये आएगा 1, 1 - 1 ये आ जाएगा पूरा 0, सो 1/f 0 आ गया, यानी f इज इक्वल टू कितना आ गया, इन्फिनिटी। इस टाइम ये जो ग्लास लेंस है ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा और इसमें डिसअपेयर हो जाएगा। वाटर ये नहीं हो सकता है क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 नहीं होता है, ये एक्चुअली क्या है, ग्लिसरीन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.47 है। ठीक है,